इंदौर के दवा बाजार क्षेत्र में मेडिकल स्टोर में काम करने वाले युवक द्वारा हर दिन बड़ी संख्या में लोगों को राशन के पैकेट और वेपराइजर मशीन निःशुल्क दी जा रही है। यहाँ शुक्रवार को भी कई लोगों को सामग्री दी गई। कोरोना काल में एक तरफ जहां कई सामाजिक संगठन विभिन्न दलों के लोग राशन आदि सामग्री वितरित कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। किसी राजनीति और लालच के बिना महीने में मिलने वाली अपनी पूरी सैलरी का पैसा गरीबों की मदद के लिए खर्च कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के दवा बाजार स्थित फार्मेसी दुकान पर कार्य करने वाला मूसाखेड़ी रहने वाला युवक बीते एक माह से जरूरतमंद गरीब लोगों के राशन के पैकेट अपने जेब खर्च से बांट रहा है। जी हाँ, मूसाखेड़ी में रहने वाले मध्यम वर्ग के परिवार के रजत पंडित वैसे तो 10,000 रुपये महीने की सैलरी कमाते हैं, पर दवा बाजार में एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करते हैं। लेकिन उनका जज्बा और सोच बहुत बड़ी है, जिसके चलते वह करीब एक माह से अपने काम के साथ ही दवा बाजार क्षेत्र में लोगों को हर दिन राशन के पैकेट बनाकर सेवा कार्य कर रहे हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं सोशल के उससे पूछा था, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा था मैसेज सभी को। क्या कैसा लगता है आपको जब आप ये सामान देते हैं लोगों को? बहुत अच्छा लगता है और ईश्वर की राधा रानी कृपा बनी रहे कि मैं सबका है ऐसे ही आगे भी निरंतर सेवा करता रहूँ। खुशी रहती है मन में, कोई परेशान ना रहे, और जल्दी से जल्दी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि महामारी हटे और इंसान अपने काम धंधे पर सबके रोजगार को लौटे। क्योंकि आप दवा बाजार क्षेत्र में हो तो यहाँ पर तो लोग तमाम तरह की दवाइयों को लेकर भी परेशान होते होंगे। मैं बिल्कुल मेरे मित्र जो भी सहायता थी मैं बिल्कुल उनके लिए करता हूँ सहायता, निःशुल्क भी इनको दवाई अवेलेबल कराता हूँ। अगर मुझसे होता है तो मैं स्वयं अपने पास से ही पेमेंट देके भी उन्हें दवाई दिलाता हूँ, कोई परेशान नहीं होता, क्योंकि आते ही दवाई बहुत परेशान लोग आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रजत पंडित है। हम 20 दिनों से निरंतर 5 लोगों को निःशुल्क राशन वितरण, वेपराइजर मशीन वितरण कर रहे हैं और गरीबों का मतलब काम कर रहे हैं। अभी का कोरोना महामारी में सब परेशान हैं और जनता की सेवा में लगे हुए हैं, बिना किसी से मदद नहीं हुआ। क्या क्या सामान दे रहे हैं आप? दाल चावल, शक्कर, आटा, वेपराइजर मशीन, तेल, मतलब सामग्री पूरी उसमें अपन दे रहे हैं। कितने समय से आप ये? ये हमको पूरा एक माह हो गया इस चीज़। आपके मन में ये विचार किससे आया? विचार क्या, देश की महामारी चल रही है, देश की विडंबना ऐसी है, सब परेशान है, तो ये तो व्यक्तिगत विचार है अपना मन का, मानवता है हर आदमी में। मैं चाहता हूँ कि सबकी मदद हो, सब अच्छा हो। आपसे और भी कोई लोग जुड़े हैं कि आप अकेले इस चीज़? मैं हूँ, मेरे मित्र हैं गोपाल जी, सचदेव और बहुत सभी मित्र लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। किस तरह से आप लोगों से जुड़ते हैं, कैसे पता लगता है कि लोगों को परेशानी है? व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपना मैसेज सबको पहुँचाता हूँ। मेरी जॉब मेडिकल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।